सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो कोई भी दे सकता है, बट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस एसटी कैटेगरी रैंक आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारा एफर्ट लगा है, लास्ट सालों से स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू, इसीलिए हम इस पे भी बता दे रहे हैं आपको ताकि सारा इन्फॉर्मेशन सही से समझ आ सके। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सपोर्ट मिले थोड़ा बहुत, और आपको इस तरह से सारा जानकारी हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग मिलते रहेगा। तो यहाँ पे हम NIT IIIT GFTI का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 99% अगर आपको चाहिए तो 175 मार्क्स चाहिए, ये मॉडरेट पेपर के लिए बता रहे हैं। और फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, सेकंड अटैम्प्ट में अगर जाते हैं तो थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ेगा, वो हम अलग से वीडियो देंगे। और मॉडरेट पेपर के लिए, हार्ड और ईजी होता है पेपर, तो थोड़ा बहुत आपको मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर मार्क्स, इस मार्क्स पे अगर आप रैंक पूछें तो 40 रैंक बनेगा एसटी कैटेगरी रैंक, जिसपे आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो 98 के लिए आपका मार्क्स 150 100 रैंक होगा, 95 के लिए 115 मार्क्स रैंक होगा 400, 90 के लिए 84 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 1.1 हज़ार जो कि 1100। इसके बाद आपका 85% के लिए 74 मार्क्स और 2,500 रैंक होगा। फिर 80 के लिए 60 मार्क्स चाहिए और रैंक आपका 4,000 होगा। 70 के लिए 42 मार्क्स चाहिए और 7,000 आपका रैंक होगा। फिर 60 के लिए 34 मार्क्स और 10,000 रैंक, 50 के लिए 28 मार्क्स और 14,000 रैंक, 40% के लिए 22 मार्क्स और आपका रैंक बनेगा 18,000। यहाँ पे बात करें अगर कट ऑफ परसेंटाइल के, जो एडवांस में जाने के लिए एसटी को कितना मिनिमम परसेंटाइल या मार्क्स चाहिए, तो 43 से 44% चाहिए और मार्क्स जो है 22 से 28 में आपका काम हो जाएगा। जैसा भी पेपर रहता है उसके अकॉर्डिंग एक रेंज आपको बता रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको हम अपने कंप्लीट मेंटरशिप एंड गाइडेंस के बारे में बताना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वीडियो को उसमें देख सकते हैं, एक बार जुड़ते हैं। आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा ऑन अ डेली बेसिस ताकि आपका एक अच्छा रिजल्ट आए। आपको उसके बाद कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस भी दिया जाएगा जिससे कि आपको कॉलेज मिल सके। तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखें। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे अपने मेंटोरशिप एंड गाइडेंस के बारे में, जो कि हम लास्ट 5-6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं। आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे हम सेलेक्ट करके आपको देते रहेंगे। बस आपको उस पाथ को फॉलो करना है जो हम आपको दिखाएंगे ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। प्रिपरेशन सही होगा तभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सारे एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसी मेंटोरशिप प्लस काउंसलिंग गाइडेंस दोनों मिलेंगे आपको। एक बार आप रजिस्टर करते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके, जो कि डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट पे, तो आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे। थैंक यू। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं टॉप 5 NIT में जाने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए मिनिमम। NIT में 97 CS ब्रांच के साथ, लोअर ब्रांच के साथ 82। स्लैश के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोअर ब्रांच के लिए। IIIT में 88, 84.5। IIIT में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे IIIT में ECE होता है लोअर ब्रांच, मैकेनिकल मटेरियल साइंस ये सब नहीं होता। GFTI में 84, 75। फिर टॉप 10 के लिए बात करें 91, 78.3, 76.6। ये हो गया CS के लिए, NIT, IIIT, GFTI में। अगर आप लोअर ब्रांच का देखना चाहते हैं स्लैश के बाद चेक कर लें। फिर टॉप 15 के लिए 87, 75.2, 72 CS के लिए, NIT, IIIT, GFTI रिस्पेक्टिवली। इसके बाद बात करें अगर आप टॉप 20 के लिए 83, 70.6, 66.3। इसके बाद लोअर के लिए बात करें 80, 67, 60। ये हो गया आपका कंप्लीट कट ऑफ परसेंटाइल NIT, IIIT, GFTI के लिए ST कैटेगरी के लिए। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि सपोर्ट मिले थोड़ा बहुत, और आपको इसी तरह से हर एक कैटेगरी के लिए इन्फॉर्मेशन मिलते रहे इस चैनल पे। थैंक यू।